नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह का रानी कमलापति को लेकर दिए गए बयान के बाद विरोध शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान को भाजपा नेता जनजाति समाज का अपमान बता रही है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर अब सड़कों पर आ गई है, जिसके तहत ही रविवार शाम के समय तिरोड़ी थाने के सामने भाजपा नेताओं ने एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान डॉक्टर गोविंद सिंह का भाजपा नेताओं ने पुतला भी फूंका और जलते हुए पुतले को जमकर लात भी मारी है। दरअसल रानी कमलापति को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर सियासत गर्मा गई है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड में अंबेडकर जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम के मंच से कहा था कि रानी कमलापति को कोई नहीं जानता, भाजपा ढूंढ ढूंढ का नाम रख रही है। इस बयान के सामने आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस को घेर लिया है। इसी के चलते तिरोड़ी में पुतला दहन करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान भाजपा नेता सागर बिसेन, फिरोज खान, मिहिर त्रिवेदी, प्रत्युष दुबे, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा तिरोड़ी मोरेश्वर नागवंशी, ऋषभ ब्रह्मे, आदित्य हिवारे, शुभम साहू, सविता चौहान, ज्योतिषना जायसवाल, पूनम रावल, पूजा त्रिवेदी, आशा मंगली, मोहिते आंचल जायसवाल, नेहा देवांगन, लक्ष्मी कठौते आदि अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किस उद्देश्य से पुतला दहन किया गया है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? आज मेन पुतला दहन करने का उद्देश्य ये है कि आदिवासी समाज की हमारी महारानी रानी कमलापति जी, जो काफ़ी सम्माननीय आदिवासी समाज में हैं, जिन्हें महारानी जी के नाम से पूज्य है हमारे लिए और हम सब मानते हैं, हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय गोविंद सिंह जी, जो प्रतिपक्ष के नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनके द्वारा उनके खिलाफ काफ़ी टिप्पणी, अशोभनीय टिप्पणी करी गई। उन्होंने कहा कि ये इन्हें कौन जानता था, कौन है ये, इनके नाम पे ऐतिहासिक स्टेशन, जो इंडिया का फर्स्ट स्टेशन जो है जिसका नाम पहले हबीबगंज था, उसके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार ने उनका नाम चेंज करके रानी कमलापति स्टेशन के नाम से रखा। उन्हें ये आप जलन महसूस हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे अनेकों नेक काम कर रही है। उन्होंने अभद्र टाइप की टिप्पणी कल किसी कार्यक्रम में करी, इसलिए सब हम लोग पूरे प्रदेश में हर मंडल में इकट्ठे होके उनकी इस अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ उनका पुतला दहन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम करने के लिए सभी लोग एकत्रित हुए हैं और उनका हमने पुतला दहन किया है। मैं प्रत्युष दुबे, तिरोड़ी मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। एक विषय बहुत महत्वपूर्ण निकल के आया, जैसे कि कांग्रेस की रीति नीति रही है लंबे समय से आदिवासियों से, पिछड़ों से, दबे शोषितों का शोषण करना, उनको एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना और उनके महापुरुषों का अपमान करना, समय समय पर कांग्रेस की रीति नीति रही है कि इन्होंने हमेशा आदिवासियों, हमारे भाइयों, दबे और पिछड़ों को अपमानित करते रहे, उनका शोषण करे। इसी श्रृंखला में कांग्रेस के नेता गोविंद सिंह के जी के द्वारा एक विषय देखा गया कि उनके द्वारा रानी कमलापति जी का जो के नाम पर भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया, इसको देखते हुए उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, हमारे जो राष्ट्र के जो लोग हैं, इनके विषय में एक अभद्र विषय रखा गया कि इनके द्वारा, इन महाराजा महाराजाओं के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का शोषण किया गया है, उनका अपमान किया गया है। रानी कमलापति के ऊपर में अभद्र टिप्पणी करने वाले ऐसे गोविंद सिंह कांग्रेसी नेता का आज हमने पुतला दहन किया और ये जो विषय है भारतीय जनता पार्टी का सभी मंडलों में, मध्य प्रदेश में एक साथ सभी मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के मिलकर इनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और ऐसे विषय हमारे अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े जो हमारे समुदाय हैं, इनका अपमान करने वालों का भारतीय जनता पार्टी की भत्सना करती है, इनकी आलोचना करती है और मध्य प्रदेश शासन से ऐसी निवेदन और हम अपेक्षा रखते हैं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कठोर से कठोर कदम उठाया जाएगा कि हमारे पिछड़े, दबे, शोषित, हमारे भाइयों का, बहनों का अपमान और हमारे महापुरुषों का अपमान करने का कोई भविष्य में ऐसा प्रयास भी न कर सके। इस विषय को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक संगठन आज गोविंद सिंह का पुतला दहन तिरोड़ी के गांधी चौक में स्टेज मैदान में आज ये कर रहा है और उसका पुरजोर मध्य प्रदेश शासन के सामने हम अपना विरोध रख रहे हैं और मध्य प्रदेश में पुरजोर एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें।